फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पीस काउंसिल फैसलाबाद के जेर एहतमाम और सदर डीपीसी प्रोफेसर अंजम जेम्स पाल के जेर सदारत एक अहम इजलास फैसलाबाद के मकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसील कोऑर्डिनेटर्स ने भरपूर शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज मिस्टर शफीक लावत कुरान पाक और पास्टर अरशाद प्रकाश ने दुआ के साथ किया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर महमूद ने सबका साल की सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की गई। इस मौका पर मुत्तफिका अराज से 3 माह की सरगर्मियां तरतीब दी गईं, जिनमें डीपीसी में खवातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना, फाइनेंस के मामलात, हफ्ता शजरकारी महम का अजरा, चेयरमैन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अहम दीगर अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करना शामिल था। प्रोफेसर अंजम जेम्स पाल ने कहा है कि इस साल हम माहौलियाती तब्दीली के लिए खसूसी काम करेंगे, जो वक्त की अहम जरूरत है, जिसके लिए 15 फरवरी तक 15 मार्च के दौरान शजरकारी महम चलाई जाएगी। इन 3 माह में हम सरगर्मियों और इजलास इकट्ठा किया करेंगे। इजलास में मुत्तफिका आराज से ये भी तय पाया कि डीपीसी के हर मेंबर को 50 रुपये महाना चंदा जमा कराना होगा और तंजीमी ढांचा में इस साल के दौरान तब्दीली नहीं की जाएगी।